हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के जो हमारे सम बचे थे, आज हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे थे बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने पैरेललोग्राम के बेस पे कुछ सम किए थे और उन क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, एंगल्स फाइंड आउट किए थे, जो हमारे एंगल्स आए थे। ठीक है बच्चों, अभी हम उनसे आगे करते हैं। तो क्या है, एक बार हम दोबारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी आई थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और फोर्थ वन इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। तो बच्चों इसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैन ए क्वाड्रेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। कोई भी एक क्वाड्रेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रेटरल, नाम क्या है उसका, एबीसीडी है, वो क्या हमारी पैरेललोग्राम बन सकती है? अगर वो पैरेललोग्राम बनेगी तो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। और इसके तीन पार्ट है बच्चों, ए बी सी। हमें हर पार्ट में चेक करना है कि ये फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम बन सकती है या नहीं बन सकती है। फर्स्ट में भी चेक करेंगे, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो बच्चों देखें, फर्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं, इन्होंने कोई भी एक पैरेललोग्राम है, ये हमने ऐसे बना लिया बच्चों, यहां पे ये हमारे पास है क्वाड्रेटरल है, यहां बना दी हमने ऐसे। इसको बताना है कि ये पैरेललोग्राम बनेगी या नहीं बनेगी, किस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। 180 मतलब एंगल्स कैसे हुए, सप्लीमेंट्री हुए। लेकिन कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है बच्चों, तो यहां बी और डी कैसे एंगल है बच्चों, हमारे अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसने इक्वल की तो बात नहीं की, यहां पे नहीं की। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर इक्वल नहीं हुए तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगी, अगर इक्वल हो गए तो बन जाएगी। इसने तो कुछ भी नहीं बोल के दिया कि वह इक्वल है या नहीं है, ये बात नहीं है ना, इसने नहीं बोल के दी। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर इक्वल हुए तो पैरेललोग्राम बन जाएगी, नहीं हुए तो नहीं बनेगी। तो बच्चों ये क्या, यहां पे क्या आएगा, सिंस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी मे बी ए पैरेललोग्राम और मे नॉट बी। ठीक है बच्चों, कि ये बन भी सकती है और नहीं बन सकती। ठीक, फिर सेकंड पार्ट में क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर इसी फिगर को हम इमेजिन करते हैं, ए बी ये है हमारे पास, कितना दे रखा है ये 8, इज इक्वल टू सी डी ये भी 8 है। फिर ए डी दिया हमारे को 4 और बी सी दिया हमारे को 4.4। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ए बी की अपोजिट साइड सी डी है, इक्वल है। ए डी की अपोजिट साइड बी सी है, बट ये तो इक्वल नहीं है, ये 4 है और ये 8.4 है। तो बच्चों अपोजिट साइड इक्वल नहीं आई, अगर इक्वल नहीं आई तो क्या पैरेललोग्राम बनेगी, नहीं बनेगी। ये रिजल्ट लेते हैं हम इसका सेकेंड में, सिंस अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अपोजिट साइड बच्चों कैसी नहीं है, इक्वल नहीं है। ब्रैकेट में लिख देंगे कौन कौन इक्वल नहीं है, ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी, अगर इक्वल नहीं है तो देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगी, अगर अपोजिट साइड इक्वल होती तो पैरेललोग्राम बन जाती। फिर थर्ड में देखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसको हम रिमूव करते हैं यहां से, एंगल दिया अब इसने हमारे को, ए कितना दिया 70 डिग्री और एंगल सी दिया इसने हमारे को 65 डिग्री। अब इसके बेस पे चेक करेंगे कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है या नहीं है। एंगल ए और सी कैसे है बच्चों, अपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बट यहां पे तो अलग अलग है, मतलब इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या पैरेललोग्राम बनेगी, नहीं बनेगी।
तो बच्चों ये भी पैरेललोग्राम नहीं बनेगी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, सिंस अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोगों ने देखा कि सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे ही हमारा काम हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड पार्ट देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर है, ड्रॉ ए रफ फिगर, एक ऐसी रफ फिगर बनानी है ऑफ ए क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर की बनानी है, दैट इज नॉट ए पैरेलल, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। जो बच्चों कैसी नहीं होनी चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, और बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल नेचर, एक ऐसी क्वाड्रेटरल की रफ फिगर बनानी है जिसमें दो अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, बस यही बात है। बना देते हैं बच्चों, तो रफ फिगर क्या बना देते हैं हम, रफ फिगर ऑफ क्वाड्रेटरल इन विच टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज, क्या बना देते हैं बच्चों, काइट बना देते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो काइट कैसे आया, फिगर बना के देखो बच्चों, ये बना दी हमने यहां पे, ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल ले लिया, इसको ए बी सी डी नाम दे देते हैं। बी और डी कैसे एंगल है बच्चों, अपोजिट है, और कैसे रफ बनानी है हमें अपनी मर्जी से बनानी है, ये बना दी हमने। बी और डी इक्वल है, ए और सी अनइक्वल है, यहां पर लिख देते हैं हेयर एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल। ठीक है बच्चों, दो एंगल इक्वल है तो ये हमारी फिगर बन गई, सिंपल है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव आता है, क्या था बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:2, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का रेशो गिवन है बच्चों, क्या 3:2, और ये सम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो वाले सम पेपर में अक्सर आ जाते हैं, काफी बार आ जाते हैं बच्चों। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स का रेशो है और सारे एंगल पूछ ले उसने हमारे से, सिंपल बच्चों देखें, बड़ा अच्छा समय। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ओके, इसका नाम रख देते हैं बच्चों ए बी सी एंड डी, और ये हम क्या लिखते हैं इसके एडजेसेंट एंगल लिखते हैं ए एंड बी, और हमें प्रॉपर्टी पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे बस बच्चों हम। तो ये ले लेते हैं लेफ्ट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, क्या गिवन है बच्चों, रेशो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितनी है 3:2, लेट कॉमन फैक्टर एक्स लेट कर लेते हैं, देन टू एडजेसेंट एंगल्स आर थ्री एक्स एंड 2x, ये जो बच्चों हमने यहां पे लिखा यही इसमें की पॉइंट है, यही इसका मेन पॉइंट है, क्या जिस रेशो में एंगल गिवन होते हैं, एंगल्स भी हो सकता है साइड्स भी हो सकती है, उनको हम क्या करेंगे उसी रेशो में लेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 3:2 में थे उसी रेशो में लेट किया गया 3x और 2x,
ये एंगल सारी अब एडजेसेंट एंगल्स का सम पता ही है हमें, 180 होता है, इनका सम 180 का, तो वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, एडजेसेंट एंगल्स आर, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये दो एंगल थे, इसको हम ए लाइक कर लेते हैं, इसको बी लाइक कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना बन जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ए बच्चों हमारे पास 3x है, इसको 3x लाइक कर लेते हैं और इसको 2x लाइक कर लेते हैं, ये 2x आ जाता है, तो बच्चों हमारे पास ये कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू 180। एक्स निकालने के लिए 5 से डिवाइड कराते हैं, 5 3 जा 6 जा, तो बच्चों एक्स कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया, एक्स आ गया, एक्स तो नहीं निकालना, कौन निकालना है, एंगल्स निकालने हैं, तो बच्चों यहां पे अब हम एंगल्स निकाल लेते हैं, एंगल ए कितना है बच्चों, 3x, एक्स अभी भी निकाल के हटे, कितना जाएगा ये 108, फिर एंगल बी निकालते हैं, एंगल बी कितना है, 2x है हमारे पास, 2 × 36 ये आ जाता है 72 डिग्री, फिर बच्चों एंगल सी निकालते हैं, एंगल सी क्या आएगा, ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे, इक्वल है तो बच्चों ये आ जाएगा, फिर एंगल डी निकालते हैं, डी कैसा आएगा, बी के इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी कैसा है, ये इसके अपोजिट है, ये कितना जाएगा 72 डिग्री जाएगा, यहां पे रीजन लिख देंगे हम, क्या रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया हमने, जिस रेशो में एंगल गिवन थे, जिस रेशो में एंगल गिवन थे उसी रेशो में एंगल्स को लैग किया हमने, 3x और 2x, अब ये x कहां से आया, बच्चों कॉमन फैक्टर आया, ठीक है, कॉमन फैक्टर आया, और कॉमन फैक्टर क्या है, 36 आया, मल्टीप्लाई का आंसर आ गया हमारा। अब बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या बोलता है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल हैं, उनका मेजरमेंट कैसा है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के सारे एंगल बताए, तो बच्चों हम यहां पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सपोज दिस इज ए पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स एंड दे आर इक्वल बाय अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन, सो बच्चो लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एडजेसेंट एंगल्स विच आर इक्वल, दोनों एंगल बच्चों कैसे हैं, इक्वल है क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है इक्वल मेजर है, और कैसे है वो एडजेसेंट है, तो बच्चों हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, दोनों इक्वल है तो बच्चों ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों आएगा बच्चों ये, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है बच्चों, अब यहां से एंगल ए
और एंगल बी इक्वल है तो मैं एंगल ए के प्लेस पे एंगल बी रख सकता हूं। फिर ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। फिर वहां से बच्चों एंगल बी निकाल लेते हैं, 2 बन गया और ये, तो बच्चों हमारे पास एंगल बी आ जाता है 90 डिग्री। एंगल बी आ गया बच्चों हमारे पास कितना, 90 डिग्री आ गया। अगर एंगल बी 90 है तो यहां से एंगल ए भी 90 आएगा। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज ऑल्सो 90 डिग्री। ए और बी एंगल आ चुके हैं बच्चों, और हमें यह पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ए 90 का है तो बच्चों सी भी 90 आएगा, अगर बी 90 है तो बच्चों डी भी 90 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है। इसका यूज यहां करते हैं बच्चों, ऑल्सो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल है। तो बच्चों एंगल ए और एंगल सी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया। एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल डी भी कितना आ गया बच्चों, ये भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब देखिए बच्चों, हमने एंगल बी निकाल दिया, एंगल ए निकाल दिया, एंगल सी और एंगल डी सारे एंगल निकाल दिया हमने, ठीक है। क्या लगा? सिर्फ बच्चों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बेस पे चार प्रॉपर्टी करी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये चार प्रॉपर्टी है बच्चों, कैसे न कैसे यूज होगी और हमारे सम हो जाएंगे।